नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति। 2030 और 31 तक वार्षिक उत्पादन क्षमता को 40 लाख इकाई से अधिक तक बढ़ाना है कंपनी का लक्ष्य। कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए CCPA ने किए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार। 100% का दावा नहीं कर सकेंगे कोचिंग संस्थान। भारत ब्रांड की चना दाल 25% सस्ती होने से लोकप्रिय हो रही है। लॉन्चिंग के 4 माह के भीतर इसने 1/4 यानी 25% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अक्टूबर में जारी की गई भारत ब्रांड की चना दाल की कीमत 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि अन्य ब्रांड की दालें करीब 80 रुपए किलो बिक रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि देश में सभी ब्रांड की चना दाल की 1.8 लाख टन मासिक खपत में 1/4 हिस्सेदारी भारत ब्रांड वाली दाल की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। HDFC बैंक ने कुछ अवधि के कर्ज पर सीमांत लागत आधारित उधार दर MCLR में 0.10% तक की बढ़ोतरी की है। इस कदम से बैंक के ग्राहकों की EMI बढ़ जाएगी। नई दरें 8 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं। बैंक ने 1 महीने की अवधि वाले कर्ज पर MCLR को 8.75% से बढ़ाकर 8.80% कर दिया है। उधर यूको बैंक ने 1 साल की अवधि वाले कर्ज की दर को 8.75% से बढ़ाकर 8.80% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपनी दूसरी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य 2030 और 31 तक वार्षिक उत्पादन क्षमता को 40 लाख इकाई से अधिक तक बढ़ाना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन VGGS के 10वें संस्करण में तोशिहिरो ने कहा कि संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता 10 लाख इकाई प्रति वर्ष होगी। तोशिहिरो ने कहा कि हम गुजरात में दूसरे कार संयंत्र के निर्माण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जो हर साल 10 लाख इकाई का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि नए संयंत्र का परिचालन वित्त वर्ष 2028-29 में शुरू होने की उम्मीद है। इसका स्थान और उत्पादित किए जाने वाले मॉडल का विवरण उचित समय पर साझा किया जाएगा। तो शहरो ने कहा कि इसके साथ ही गुजरात में वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 लाख इकाई हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने के अनुमान को बुधवार को बेहद सकारात्मक बताया। खारा ने कहा कि वर्तमान में समग्र आर्थिक माहौल बहुत उत्साहजनक है। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने अग्रिम अनुमान में वास्तविक GDP वृद्धि 7.3% रहने की संभावना जताई थी। GDP की अनुमानित वृद्धि दर उन सभी मौजूदा अनुमानों से कहीं अधिक है, जिनमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% से कम रहने की बात कही गई थी। हालांकि RBI ने पिछले महीने अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% करने के साथ नए आकलन को रूढ़िवादी भी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर यानी CCPA ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की हैं। CCPA ने कहा है कि वह कोचिंग संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों के सक्सेस रेट के संबंध में विज्ञापनों में झूठे दावे करने से रोकने के मकसद से मसौदे को तैयार किया है। CCPA के मुख्य आयुक्त और उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी और इसे जारी किया जाएगा। गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के प्रमुख सिंह ने कहा कि प्रस्तावित दिशा निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फॉर्म फॉर्मेट या मीडियम की परवाह किए बिना सभी प्रकार के विज्ञापनों को इसके दायरे में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति। 2030 और 31 तक वार्षिक उत्पादन क्षमता को 40 लाख इकाई से अधिक तक बढ़ाना है कंपनी का लक्ष्य।
कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए सीसीपी ने किए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार। 100% का दावा नहीं कर सकेंगे कोचिंग संस्थान। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।